हरदा जिले के खिड़किया के नागरिकों ने नगर के विष्णु राजौरिया कॉलेज को शासकीय कॉलेज करने की मांग की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया। नागरिकों की मांग है कि अर्ध शासकीय कॉलेज होने के बावजूद इस महाविद्यालय का संचालन विशुद्ध रूप से विष्णु राजौरिया एवं उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। महाविद्यालय के संचालन के लिए समिति को नगर के दानदाता द्वारा क्षेत्र में शिक्षण के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय की स्थापना हेतु 10 एकड़ जमीन शहर के बीचों बीच दान दी गई थी, जिसका क्षेत्र के हित में उपयोग होने के बजाय एक ही परिवार के हित में हो रहा है। खिड़किया किल्लोद हरसूद विकासखंड से प्रतिवर्ष लगभग 1500 बच्चे हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निकलते हैं, लेकिन उक्त महाविद्यालय में केवल कला एवं वाणिज्य संकाय होने एवं शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण यहां लगभग 200 बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। शेष लगभग 1300 बच्चों को शहर जाना पड़ता है या फिर उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनुरूप बायवार नाम है मेरा, और ये शासकीय कॉलेज की बहुत जरूरत है खिड़किया शहर को। इसके लिए आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के 10,000 के करीब हस्ताक्षर हमने किया करवा है। सब क्या मांग है आपकी? खिड़किया नगर में शासकीय कॉलेज की मांग है, और ये बोले जो है अपना विष्णु राजौरिया कॉलेज शासकीय किया जाए। खिड़किया के लोगों को मतलब काफी बाहर जाना पड़ता है, दूर दूर, बहुत अति आवश्यक मांग है। इसमें पूरा नगर हम एक है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, पूरा नगर एक, पूरा आखिरी तक लड़ेंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई राजनीति नहीं होगी, पूरा नगर साथ में है। अभी तो ये पहला मतलब चरण हुआ है इसका, हस्ताक्षर अभियान। अभी दो तीन चरण में फिर जो भी हमको जैसा भी शांतिपूर्ण आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे। इसके बाद एक शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल जाके मिलेगा पीसी शर्मा जी से। इस मौके पर समाज सेवी महेंद्र सिंह खनुजा, राजू अग्रवाल, सुनील निलोसे, अनिल जैन, मुन्ना बायबार, देवेंद्र दरबार आदि मौजूद थे। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।